समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। मुख्तार की मौत के बाद आज अखिलेश यादव ने मुख्तार के घर पहुंचे हुए थे। अखिलेश ने मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान अखिलेश ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनता सच जानती है कि आखिर क्या हुआ। खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं, क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देके नहीं मारा गया? कुछ दिन पहले AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भी गाजीपुर पहुंचे थे। उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिवार से उनके पैतृक गांव जाकर मुलाकात की थी। इसके अलावा राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए ओवैसी आपको नजर आएंगे जो कि अंसारी के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान इफ्तारी करते हुए भी नजर आए। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये 7 अप्रैल 2024 की है, यानी कि आज की तस्वीर जब अखिलेश यादव पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये 1 अप्रैल की तस्वीर है जब स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।